छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई के सामने भरतरी के सामने बताने लगे अपनी भाभी की करतूत। करे भाई ये जो भाभी है ये हमारे घर की नाश की जड़ है, ये हमारे घर का खानदान का सत्यानाश नहीं अत्यानाश करवा देगी। न्यू कहने लगा भरतरी, करे बावले भाभी तो माँ के समान होया करती है, तू भाभी पे दोष लगाता है, ये तेरी बात अच्छी नहीं। सजनों किस प्रकार से वो छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई को समझाता हुआ चार बात के माध्यम से के कह लगा, सुनेगा रागने के माध्यम से। क्या बात है? दिखे आज का बोलिया याद राखिए, विक्रम भाई का अनु कहन लग्या, हे रे दुनिया में ते खो देगा तन वहम लुगाई का, मान सम्मान किया। न्यू कहन लग्या, कह रहे भाई भरतरी ये दुनिया जहान तुझे मानती है पूछती है, तू राजा है, इस प्रकार मैं तुझे कुछ बता रहा हूं कुछ समझा रहा हूं। नंबर पहली कली में के कहन लग्या, सुनेगा, सारी दुनिया जाने भरतरी, सारी दुनिया जाने भरतरी तेरी कहानी ने ठीक मुकदमा तैयार करया तेरी पिंगला रानी ने, पिंगला रानी ने कुछ तो कह दी नगर सेठ ने, कुछ कई सेठानी ने हाथ पकड़ के काटिया भाभी मानस खानी ने, कर लिया शुद्ध आत्मा आड़े कर लिया फैम कसाई का, रंगी है कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, अरे ये रसरंगी नहीं है तो सतरंगी है, और ढकले तो सारे कुल के कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है। नंबर दो के माध्यम से न्यू कहने लगा, कह रहे भाई आज तू मेरी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, एक दिन ऐसा आएगा कि तू मूड पकड़ के रोवेगा और मैं तोड़ने ते भी तुझे नहीं मिलूंगा, मैं तो चला जाऊंगा तेरे राजपाट से। नंबर दो से के कहने लगा,
सारे हसियो सारे हसियो मैं कर रहा था अंधेरा थारे की के चासियो बियाबान की तैयारी से मेरी बहु बसियो तेरी बहु बसियो भाई मेरी बात मान जा सजनों जरूरी नहीं है कि हर जगह और हर वक्त आदमी ही गलत होता है कभी कभी ऐसी औरतें रानी पिंगला जैसी औरतें भी गलत होया करती हैं पर ये हमारा समाज है दुनिया है हमेशा दोष आदमी के सर ही रखा जाता है नंबर तीन के माध्यम से के कहने लगे और के बताया निचोड़ कर दिया वो भरत ने नहीं मानता सजनों न्यू कह दिया निकल जा मेरी आंखा ते दूर मेरे घर ते दूर चला जा आखिरी बात में न्यू कहने लगा कि मेरी आज एक एक बात तुझे बुरी लग रही है पर ये एक एक बात याद आएंगी आखिरी बात में के कह दिया